टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और संवाद जारी कर दिया है और एक और लिस्ट निकाली है नकलचियों की। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आयोग की कतिपय पूर्व भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में सम्मिलित अभ्यर्थियों की यहाँ पर आप देख सकते हैं डिबार किए जाने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं परीक्षा की जो चार भर्ती परीक्षाएं थी कौन कौन सी, स्नातक स्तरीय दरोगा ऑनलाइन, इसके अलावा सचिवालय रक्षक और वीडियो विपीडियो 2016 के परीक्षाओं में जो है अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले इन सभी अभ्यर्थियों को आप देख सकते हैं पृथक पृथक भर्ती परीक्षाओं के लिए अनुचित साधनों की संलिप्तता के आधार पर प्रतिवादित किए जाने हेतु सूचना नोटिस बोर्ड में और वेबसाइट पर आप देख सकते हैं प्रकाशित कर दी गई है। नोटिस आयोग के कार्यालय को वापस प्राप्त होने के कारण आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों हेतु एक संयुक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 29 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई, जिसमें समस्त अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का जो है समय दिया गया। वर्तमान में प्रति उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्रति उत्तरों का संयुक्त रूप से अनुशीलन किया गया एवं सभी तथ्यों के परीक्षण एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपलब्ध कराए गए उत्तर संतोषजनक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि आयोग ने भी माना है कि जो चार बड़ी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई थी डिवार के लिए, उन्होंने जो आंसर दिए गए थे वो संतोषजनक नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह मालूम हो कि उनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई प्रत्युत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में कुछ भी जो है नहीं कहना। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आयोग में आज एक बैठक हुई है, 16 मई को निर्णय लिया गया कि उक्त भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग में उक्त अभ्यर्थियों की संलिप्तता को पाते हुए अभ्यर्थियों को 5 वर्षों की अवधि हेतु आयोग की समस्त परीक्षाओं से तत्काल डिबार किया जाता है। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिवादित किए जाने संबंधी सूचना विधिवत डाक के माध्यम से उनके पते पर भेज दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरे अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो 5 साल के लिए इनको डिबार कर दिया गया। जो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर ये है 2021 में जो वीडियो बीपीडीओ की भर्ती हुई थी, जिसका आपने देखा होगा कि एग्जाम अभी हाल में होगा जुलाई में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के ये लिस्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आप 81 तक आएंगे, उसके बाद आएंगे 112 और ठीक है 112 अभ्यर्थी जो है ये है आपके वीडियो बीपीडीओ एग्जाम में। ठीक है, अगली जो लिस्ट आती है आप देख सकते हैं ये वन दरोगा की है, जहां पर अभ्यर्थी का नाम और उनके फादर का नाम दिया हुआ, इस बार रोल नंबर जो है नहीं दिए। ठीक है, तो वन दरोगा में आप देख सकते हैं कुल मिला के 20 इसमें है, हाँ जी 20 अभ्यर्थी वन दरोगा में है। उसके बाद आप देख सकते हैं सचिवालय रक्षक में कुल मिला के 14 अभ्यर्थी हैं, और ये 2016 की जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 34 अभ्यर्थी हैं। तो पूरे आप देख सकते हैं ऑलमोस्टली 200 आसपास जो कैंडिडेट हैं इन सभी चार भर्ती परीक्षाओं में आयोग ने डिबार कर दिया है। तो आयोग ने काफ़ी अच्छी मिसाल दी है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है कहीं ना कहीं भविष्य में उम्मीद जगती है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेशन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।